नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर एके जैन। स्वागत है आपका healthwealthvastu.com में। आज की क्लास में हम जानेंगे प्लॉट का स्क्वायर फीट निकालना, उसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है वो हम देखेंगे। कई प्लॉट जो होते हैं, अगर जैसे 30 फीट बाई 40 फीट का प्लॉट है तो उसका हम आसानी से स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, 70 फीट बाई 4 इंच, 50 फीट बाई 6 इंच जैसे प्लॉट की साइज है, तो उसका हम साइज कैसे निकालें? फुट और इंच में जब साइज होती है तो कैसे प्लॉट का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है? ट्रायंगल है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? अगर सर्कल शेप में अगर प्लॉट हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? अगर कोई त्रिभुजाकार पंचभुज आकृति में प्लॉट की साइज है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? या फिर कोई गज में दे रखा है तो गज को हम फीट में कैसे कन्वर्ट करें और क्षेत्रफल कैसे निकालें वो हम देखने वाले हैं। देखिए, जैसे कोई प्लॉट 40 फीट बाई 30 फीट का है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सीधा सा तरीका है, फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया, यानी क्षेत्रफल निकल जाता है। तो 30 फीट इंटू 40 फीट का प्लॉट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1200 स्क्वायर फीट, यानी 1200 स्क्वायर फीट इसका क्षेत्रफल हो गया। इस तरह से स्क्वायर फीट इसका निकाल दिया कि इसका क्षेत्रफल कितना है। लेकिन अगर 70 फीट बाई 4 इंच, 50 फीट बाई 6 इंच अगर प्लॉट की साइज होती तो उसका स्क्वायर फीट कैसे निकालते? हम क्या करते, फिट को तो रहने देंगे, अभी क्या करेंगे, इंच को जो है 4 इंच को भी फिट में चेंज करेंगे और 6 इंच को भी फिट में चेंज करेंगे। तो एक फिट में जो होते हैं 12 इंच होते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इंच को फिट में बदलने के लिए इसमें 12 से डिवाइड करना होगा, तो 4/12 तो आ जाता है 0.33 फीट, और 6 को 12 से डिवाइड किया तो 0.5 फीट आ जाता है। तो ये कितना हो गया, 70.33 फीट, 50.5 फीट, इसको गुना किया तो 3551.665 स्क्वायर फीट हो गया। इस तरह से इसका पूरा अपन ने क्षेत्रफल निकाल दिया कितना क्षेत्रफल है। अगर किसी प्लॉट की साइज फिट में दी हुई है और हमें यार्ड में निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। देखिए, ये प्लॉट जो है 48 फीट 36 फीट का है, तो फॉर्मूला होता है 1 यार्ड बराबर 3 फीट, यानी इसको हमें यार्ड में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फिट को यार्ड में बदलना होगा। 48 को डिवाइड किया है 3 से तो 16 आया, 36 को डिवाइड किया है 3 से तो 12 आया, 12 × 16 किया तो 192 यार्ड, यानी कि इसका स्क्वायर यार्ड आया है वो 192 यार्ड आया है। तो इस तरह से फिट वाले प्लॉट को हम यार्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि कोई प्लॉट ट्रायंगल शेप में है और मीटर में दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर में कैसे निकालते हैं, मीटर को फिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिट को यार्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये अपन देखते हैं। ये प्लॉट है ABC, इसकी भुजाएं दी है, मानिए 10 मीटर 15 मीटर और 13 मीटर है। तो S एक वैल्यू निकाली, S इज इक्वल टू A+B+C/2, S इज इक्वल टू 10+15+13/2। इसको कैलकुलेट किया तो 38/2, यानी इसकी वैल्यू आ गई 19, S की वैल्यू 19 आ गई। अब एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है S S-A S-B S-C, S की वैल्यू थी 19 अपन ने कर दिया है 19 माइनस 10 19 माइनस 15 19 माइनस 13, तो वैल्यू आ गई 19946, तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 4104 स्क्वायर रूट, तो आता है 64.06 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 64.06 मीटर स्क्वायर इसका एरिया क्षेत्रफल निकल गया। अब यदि इस 64.06 मीटर स्क्वायर को फिट में कन्वर्ट करना है तो इसका फॉर्मूला है 10.76 से इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 689.28 स्क्वायर फीट। तो इस तरह से हम स्क्वायर फीट में भी एरिया निकाल सकते हैं। यदि इस स्क्वायर फीट को हमें यार्ड में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 9 कर देंगे तो 36.50 यार्ड। इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं मीटर में, फिट में या यार्ड में।
सर्कल शेप में हमारा प्लॉट है, तो हम चाहते हैं एक तो इसका क्षेत्रफल निकालना प्लस चारों तरफ तारबंदी करनी है, इसलिए हम इसका परिधि यानी परिमाप भी निकालना चाहते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर यानी त्रिज्या, सेंटर पॉइंट से कोने तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, आर का मान है हमारा 14, 14 मीटर है मानिए, तो 14 इंटू 14, तो 7 को 14 से डिवाइड किया तो 2 आया, 14 और 2 28, 14 इंटू 2 28, तो 22 इंटू 28 616 मीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया जो है क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है। अब इसका परिमाप निकालना है, परिधि भी बोलते हैं इसे, तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2πr, पाई का मान 22/7 होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 को 14 से डिवाइड किया तो 2 मिला, 2 इंटू 22 इंटू 2 यानी 88 मीटर इसका परिमाप हो गया। तो इस तरह से सर्कल का हम परिमाप भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यदि प्लॉट इस तरह का है कोई, अब इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का हम एरिया निकालना जानते हैं, तो क्या करना है, इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर देना है, इस पॉइंट को यहां से मिला देना है, इस पॉइंट को यहां से मिला देना है, 1, 2 और 3, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के इनको प्लस कर देंगे, तो इस शेप का कोई प्लॉट है तो उसका भी एरिया निकल सकता है। तो इस तरह से हमने देखा अलग अलग साइज के प्लॉट होते हैं तो किस तरह से उनका एरिया निकाला जा सकता है। थैंक यू।